अभी बनाएंगे हम बूंदी लड्डू, जिसके लिए बेसन का एक घोल बना लेंगे। एक तरह से पानी डाल के बेसन का एक घोल बना लेंगे। हाथ पे लेते हो इस तरह से थोड़ा पतला सा बेसन का घोल बनाएंगे। और बेसन लगाने के बाद इसका बूंदी बनाएंगे। और बूंदी के लिए ये कढ़ाई में तेल डाल लेंगे 1 किलो के आसपास। तेल इसके अंदर और तेल को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद फिर बेसन से बूंदी बनाएंगे, फिर उसका लड्डू बनाएंगे। और ये तेल गरम होने के बाद एक छन्नी लेंगे, उस पर धीरे धीरे बेसन डालेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बेसन डालेंगे और पहले बूंदी बना लेंगे, फिर उसके बाद बूंदी का लड्डू बनाएंगे। इस तरह से स्लो गैस पे बूंदी को पकने देंगे अच्छे से। और ये बूंदी पक चुका है, थोड़ा देर और पकाएंगे इसको। और पकने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये बूंदी बनाने के बाद पानी डाल देंगे एक बर्तन में और इसको गर्म करेंगे। और गर्म करने से पहले इसमें डालेंगे 100 ग्राम के आसपास शक्कर, जिसका चाशनी बना लेंगे। डाल लेंगे और ये इस तरह से शक्कर को पिघला लेंगे चाशनी बनाने के लिए। इस तरह से और ये शक्कर था वो पानी में घुल चुका है, उसको थोड़ा देर और उबालेंगे जिससे ये गाढ़ा हो जाए। और ये चाशनी हमारा रेडी हो रहा है। इसमें लड्डू कलरफुल बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम सैफ्रॉन कलर हल्का सा। ये डाल के इसको इस तरह से मिला लेंगे और गैस को स्लो करेंगे। और ये चाशनी रेडी करने के बाद बूंदी जो हमने बनाया था वो इसके अंदर बूंदी इसके अंदर डाल लेंगे और फिर इसको चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से लड्डू को बूंदी को चलाते रहेंगे लड्डू बनाने के लिए, जिससे कि ये जो चाशनी है बूंदी में पूरा चला जाए।
चला लेंगे, तो चार मिनट था भुंजी पी चुका है, तो गैस बंद कर देंगे अब और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ये मगर घीरे का बीज, और ये मगज डालने के बाद ये पूरा जो चाशनी था बूंदी पी चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए 8-10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे और ये 10 मिनट तक ठंडा करने के बाद इसको डालेंगे ये इलायची कूट के कुटी हुई इलायची, डालने के बाद इस तरह से लड्डू बना लेंगे इस तरह से, और इसको रख लेंगे एक मिनट में, फिर इस तरह से दूसरा ले लेंगे। बस